पेंचक सिलाट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा दो दिवसीय तीसरी राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता माता भीमा काली मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने किया। इस दौरान पेंचक सिलाट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के महासचिव जोगिंद्र सिंह आजाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के 170 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज खेले गए मुकाबले में विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाली पेंचक सिलाट खिलाड़ी मधु कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर उनका चयन पेंचक सिलाट विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो 26 जुलाई को मलेशिया में आयोजित की जाएगी। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे भीमा काली जी के मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता स्टेट लेवल चल रही है। पेंचक सिलाट ये एक स्पेशलाइज्ड मार्शल गेम है, बेसिकली इंडोनेशिया से है। थर्ड स्टेट लेवल कंपटीशन है। यहाँ पे सभी जिलों से, हिमाचल प्रदेश के जिलों से बच्चे आए हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल अपना कॉम्पिटिशन जीता है। उनकी स्टेट लेवल प्रतियोगिता जो है आज वो आरम्भ हुई है। कल तक ये प्रतियोगिता चलेगी, कल इस प्रतियोगिता की क्लोजिंग है। बहुत ही खुशी का विषय इन्होंने मुझे बताया कि हिमाचल के हमारे बच्चे जो है वो 4 मेडल लेके आए नेशनल लेवल पे इसी प्रतियोगिता में, जो नेशनल लेवल की हुई। और एक बच्ची जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रही है हिमाचल से, ये हिमाचल के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। तो इन्हीं बच्चों को और मोटिवेट किया गया कि अब ये जो हिमाचल की 4 मेडल की टैली है, इसको डबल किया जाए और इंटरनेशनल में भी और हमारे और ज़्यादा प्रतियोगी जो हैं वो जाएँ, ताकि हिमाचल का नाम रोशन हो पाए। सो बच्चों को इसी तरह खेल कूद प्रतियोगिता की वैल्यूज़ पर फोकस करने के लिए कहा गया है। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ ये इस गेम में बहुत अच्छी तरह से भाग ले रही थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ डिफेंस ऑल्सो एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो बहुत ही अच्छा ये प्रतियोगिता है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लिया गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट पेंचक सिलाट एसोसिएशन द्वारा। तो इस इनिशिएटिव को और भी हमें जो है प्रोत्साहन देनी पड़ेगी, ताकि हमारे बच्चे जो है वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक जा पाए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। मैं मधु कुमारी, SSB से, पैरामिलिट्री फोर्स। मैं पेंचक सिलाट की खिलाड़ी हूँ। फिलहाल ही अभी मैंने मार्च में नेशनल में 10 तारीख को नेशनल प्ले हुआ था, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था, जैसे मैं हिमाचल की तरफ से खेली थी। एंड प्लस अभी उसके साथ ही 23 को फेडरेशन कप हुआ था, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। और उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन किया गया। और अभी मैं ये 26 जुलाई से 31 तक हमारा मलेशिया में मैच होने वाला है। और इस भी ये कश्मीर में 2 जुलाई से हमारा कैंप लगेगा, इंडिया कैंप लगेगा, जिसमें मेरा भी नाम अभी इसमें आ चुका है। तो मैं आप सभी से गुजारिश यही करूँगी कि आप मुझे ढेर सारी दुआएं दें, ताकि मैं इंडिया का नाम रोशन करके रहूँ। और भीमा काली टेम्पल मंडी में आज पेंचक सिलाट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय पेंचक सिलाट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हमारे 8 जिलों के लगभग जो है 170 खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता जो है प्रीटीन, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में करवाई जा रही है। तो यहाँ से जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेडल जीतेंगे, तो आने वाला जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होगी, जो इंडिया फेडरेशन करवाएगी इसको, तो उसमें ये खिलाड़ी जो है प्रतिभाग करेंगे। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट के खिलाड़ी है, वो राष्ट्र स्तर पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हिमाचल के लिए मेडल भी जीत कर ला रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे MD यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में जो सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने सब जूनियर वर्ग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और सीनियर वर्ग में जो प्रतियोगिता लुधियाना खालसा कॉलेज लुधियाना में हुई थी, उसमें हमारे सीनियर वर्ग में जो है कांगड़ा जिला की मधु कुमारी ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और सीनियर मास्टर वर्ग में जो है मेरा खुद का जो है ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है। तो हमारे एक जो कांगड़ा जिले की खिलाड़ी है, इनका चयन जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड पेंचक सिलाट चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, जो कि अभी जुलाई महीने में मलेशिया में होने जा रही है, उसमें हमारी ये खिलाड़ी जो है प्रतिभाग करेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।